everyone. I am Seema Rathore. I am a psychologist. I am director of Kids Care Therapy Center. मैं आज आपको किड्स केयर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। किड्स केयर की शुरुआत हमने कब की, किड्स केयर कैसे स्टार्ट हुआ, मैं कितने सालों से इस फील्ड में हूँ और किड्स इस वाली फील्ड में एज ए प्रोफेशनल आने का मेरा मोटिवेशन क्या है। किड्स केयर की शुरुआत हमने 2014 में स्टार्ट किया। मैं पिछले 25 सालों से स्पेशल नीड फील्ड में काम कर रही हूँ। मैंने बहुत साल इस फील्ड में अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी काम किया। फिर हमने 2014 में मैंने अपना जो मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसा सेंटर चलाऊँ जिसमें मैं अपनी मर्जी से काम करूँ, हमने 2014 में किड्स केयर थेरेपी सेंटर की स्टार्ट की। ये कम्प्लीट रिहैबिलिटेशन का क्लिनिक है। इसमें हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं सीमा राठौर, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। मेरे साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, बहुत सारी पूरी टीम है। और यदि मुझे आउटसोर्स में किसी की ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ भी रेफर करती हूँ। किड्स केयर की शुरुआत बेसिकली इस फील्ड पे आने का मोटिवेशन मेरी सिस्टर है। मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी वाली जो मेरी रिलो सिस्टर है वो स्पेशल नीड चाइल्ड है। वो मॉडल 9 MR की कैटेगरी में है। बहुत इंडिपेंडेंट है। आज उनकी एज 50 साल है। समझ लीजिए कि मैं जैसे जैसे मेरी एज बड़ी हुई मेरा एक्सपीरियंस स्पेशल नीड में उनके साथ है। मैं आज ऐसे प्रोफेशनल पर इसके गार्जियन भी बहुत कुछ फील करती हूँ कि स्पेशल नीड घर में यदि कोई स्पेशल नीड चाइल्ड है तो उसके साथ आपको किस तरह से हैंडल करना है, आपको क्या क्या परेशानी आएगी, एक सिबलिंग्स का रोल, एक पेरेंट्स का रोल और प्रोफेशनल का रोल पिछले 25 सालों में हमें इसमें कैसे डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, क्या क्या हमें सॉफ्ट कॉर्नर रखने हैं, कहाँ पे हमें थोड़ा सा पेरेंट्स को रियलिटी से फेस कराना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जब आपके कोई फैमिली में हो तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को और अंदर से समझ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी किड्स केयर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किड्स केयर में बहुत सारी थेरेपी ट्रीटमेंट बेस्ड थेरेपी पे काम करते हैं। सबसे पहले जब पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास से या पेरेंट्स अपने आप से भी आते हैं तो हम बहुत सारी कंडीशन किड्स केयर में डील करते हैं। हम ऑटिज्म देखते हैं, हम MR देखते हैं, हम डेवलपमेंटल डिले देखते हैं, हम CP देखते हैं, डाउन सिंड्रोम, जितनी भी स्पेशल नीड की कैटेगरी है, साथ में स्कूल गोइंग नॉर्मल चिल्ड्रन 0 से लेके 14 ईयर्स तक हम किड्स केयर सेंटर में बच्चों को ट्रीट करते हैं। उसी के साथ मैं अपनी फील्ड में मैं पेरेंट्स की काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, बहुत सारे पर्सनल इशू जो भी टीनेजर है, एडल्ट है या और पर्सनल जिनके भी इशूज के लिए पर्सनल काउंसलिंग अवेलेबल है। किड्स केयर में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अवेलेबल है। हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं नीड के अकॉर्डिंग। उसके साथ हमारे किड्स केयर में साइकोलॉजिकल असेसमेंट, सेंसरी असेसमेंट एंड स्पीच असेसमेंट तीनों अवेलेबल हैं। जैसे नीड रिक्वायर्ड नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम टेस्टिंग अप्लाई करते हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं।